नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। देश में दिनों दिन लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दल और मतदाता अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हर चुनाव की तरह इस बार भी राज्यसभा टीवी लेकर आया है लोकतंत्र के महाकुंभ की खबरें अपने खास बुलेटिन लोकतंत्र 2014 में। आप हिंदी बुलेटिन की हमारी पेशकश देख सकते हैं सुबह 7 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम 6:30 बजे। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिश तेज, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज समेत कई नेताओं ने की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिकों से मिले कांग्रेस उपाध्यक्ष, वेतन आयोग में सेना के प्रतिनिधित्व पर दिया मदद का भरोसा। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी चुनाव, पार्टी अध्यक्ष मायावती का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान। और सासाराम से लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने भरा पर्चा, सदानंद गौड़ा बेंगलुरु ने उत्तर से दक्षिण से किया नामांकन। और अब रुख करते हैं खबरों का। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने आज सुबह कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र के टांडा में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। वेतन आयोग में सेना के प्रतिनिधित्व के मसले में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने हर मुमकिन मदद का भरोसा जताया। अगर साथ में वेतन आयोग में तीनों सेनाओं के अंगों का को मुखिया उसमें सदस्य हो तो हमें उम्मीद है कि आपकी अध्यक्षता में हमें इंसाफ मिलेगा। वन रैंक वन पेंशन से राहत महसूस कर रहे हिमाचल के पूर्व सैनिकों ने गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सामने कई समस्याएं रखी। राहुल गांधी ने उनकी हर मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाने का वादा किया। आपने कहा कि पे कमीशन में आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मांगे मैंने सुन ली है, जो आपने कहा मैंने सुन लिया है और मैंने अपने दिल में उसको डाल दिया है। एनडीए सरकार के कार्यकाल की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उसने सिर्फ वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने राजनेताओं के लिए विश्वसनीयता को सबसे अहम करार दिया। बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपनी क्रेडिबिलिटी एक मिनट में खो देते हैं। आज वोट लेने के लिए कल का भूल जाते हैं और फिर अगली बार मार खा जाते हैं। मेरे पास सिर्फ एक चीज है, मेरे पास सिर्फ अपना वचन है और कुछ नहीं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला में एक ही दिन 7 मई को मतदान होना है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में लोकसभा की 6 सीटों के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। इन सीटों में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और कराकट की लोकसभा सीटें हैं। इन सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच 21 मार्च को होगी जबकि नाम वापसी के लिए 24 मार्च आखिरी तारीख है। बिहार की इन सभी सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान होगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा ने आज बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। सदानंद गौड़ा ने बीजेपी के उम्मीदवार हैं और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद गौड़ा ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदाता क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी तरजीह देंगे। National issues will be given priority and will take up the matter. बीएसपी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज इसका ऐलान किया लेकिन उन्होंने खुद के किसी भी सीट से चुनाव लड़ने से इनकार किया। वाराणसी से बीएसपी ने विजय प्रकाश जायसवाल को नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारा है। मायावती ने कहा कि उन्होंने समाज के हर तबके से उम्मीदवारों का चयन किया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 17 सुरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति, 34 सीटों पर पिछड़े और मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। 29 सीटों पर सवर्ण जाति के उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों में से
17 सुरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति के विभिन्न जातियों को और शेष 63 लोकसभा की सीटों में से पिछड़े वर्ग एवं मुस्लिम समाज को, इन दोनों को मिलाकर 34 सीट है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। वो गांधीनगर सीट से लोकसभा टिकट दिए जाने से नाराज हैं। खबरों के मुताबिक आडवाणी ने भोपाल से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी के लिए नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की है। इसमें कुछ ज्यादा न देखते हुए, हाँ हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनसे बात कर रहे, बहुत सारे विषय चर्चा में आएंगे, मगर अभी चिंताजनक ऐसे विषय कुछ नहीं है। बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी का खंडन किया है, लेकिन बुधवार रात से ही उनके घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। इस कड़ी में गुरुवार सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आडवाणी के घर पहुंचे और करीब आधे घंटे तक बातचीत की। इसके बाद बीजेपी नेता सुषमा स्वराज उनसे मिलने पहुंची तो थोड़ी देर बाद वेंकैया नायडू भी पहुंचे। उन्होंने पार्टी में किसी अंदरूनी समस्या से इनकार किया। दरअसल लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर सीट से टिकट दिए जाने के फैसले से नाराज हैं। गुरुवार को पार्टी चुनाव समिति की दिन भर चली बैठक के बाद उन्हें गांधीनगर से चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया गया। गांधीनगर से श्री लालकृष्ण जी आडवाणी। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने संकट को सुलझाने के लिए बुधवार रात संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की, तो सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी ने आडवाणी से मुलाकात की थी। बाद में गडकरी और सुषमा पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे थे। आडवाणी की नाराजगी को लेकर तमाम दलों ने पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की है। आज उनको अपनी चॉइस की सीट भी देने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, उनको मजबूर किया गया है कि आप गुजरात में आए और मोदी जी का हाथ पांव पकड़ के ही आप लोकसभा में जा सकते हैं। पूरी पार्टी में असंतुष्ट है, जोशी जी असंतुष्ट है और सबसे बड़े नेता जो जनसंघ के संस्थापक है श्री आडवाणी जी असंतुष्ट है, सुषमा जी असंतुष्ट है, अरुण जेटली जी को पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दिया तो आग लगा हुआ उनके पार्टी में। ये पार्टी संघ परिवार की पार्टी है और इनका हवा हवाई सब निकल गया, सब बीजेपी का, अब सारा देश की जनता देख रही है। खबरों के मुताबिक लालकृष्ण आडवाणी ने भोपाल से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। बुधवार रात जारी सूची के मुताबिक पार्टी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात की वडोदरा सीट से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने बुधवार रात 67 उम्मीदवारों की अगली सूची जारी कर दी। पार्टी ने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को गांधीनगर से उम्मीदवार बनाया है। नरेंद्र मोदी वाराणसी के अलावा गुजरात की वडोदरा सीट से भी किस्मत आजमाएंगे। सीने तारिका हेमा मालिनी मथुरा से मैदान में होंगी। कुल 67 कैंडिडेट्स के नाम तय किए हैं, उसमें महिलाओं की संख्या 10 है, अनुसूचित जाति SC 9, ST 10, ST 8 और एक सीट ऐसी है जो जनरल है परंतु कैंडिडेट वहां ST वर्ग का है। पार्टी ने निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर को जयपुर ग्रामीण से उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान की ही झालावाड़ सीट से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह को मैदान में उतारा गया है। बीकानेर से वर्तमान सांसद अर्जुन मेघवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जगदम्बिका पाल डुमरियागंज से किस्मत आजमाएंगे। वहीं बिहार के पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को बक्सर से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों को मंजूरी दी गई। इस सूची में गुजरात और राजस्थान से 21-21, उत्तर प्रदेश से 15, बिहार से 3, महाराष्ट्र से 2 और केरल, झारखंड, अंडमान निकोबार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव से 1-1 उम्मीदवारों के नाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव से जुड़ी खबरें आगे भी हैं, फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद लोकतंत्र 2014 में आपका स्वागत है। असम की कुल 14 में से 5 सीटों के लिए 7 अप्रैल को मतदान होना है। जिन सीटों पर पहले दौर में मतदान होना है उनमें तेजपुर, कलियाबोर, जोरहट, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर की सीटें हैं। असम में पहले दौर के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 मार्च है, जबकि यहां नामांकन पत्रों की जांच 22 मार्च को होगी। नाम वापसी के लिए 24 मार्च आखिरी तारीख होगी। राज्य में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आइए असम के राजनीतिक समीकरणों और चुनावी बिसात पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी के पास। प्रणव, जैसा कि असम में भी अगर राजनीतिक समीकरण और चुनावी बिसात की हम बात करते हैं तो बिसात तो बिछ चुकी है, लेकिन वो कौन से मुद्दे होंगे प्रणव जिन्हें लेकर उम्मीदवार जो है वो मतदाताओं से मुखातिब होंगे? देखिए, असम में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने हर बार विधानसभा या लोकसभा के चुनावों में बहुत ही अहम रूप से जो वोटर्स हैं उनके जहनों पर असर डाला है। अगर हम कहें इनमें सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा जो 1971 के बाद से ही लगातार चला आ रहा है वो है बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा। लगातार इस पूरे मामले में जो 1980 के दशक से लेकर 1990 के दशक में छात्र आंदोलन चला और उसके बाद एक राजनीतिक दल एजीपी का गठन हुआ, प्रफुल्ल कुमार महंत सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने, वो भी जो एजिटेशन था वो भी बांग्लादेश घुसपैठ के खिलाफ ही था। इसके अलावा अगर हम दूसरे मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो अलगाववाद का एक जो मुद्दा है वो भी एक अहम मुद्दा है, जिसको लेकर कि तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि अलगाववादियों को रोक पाने में वो कामयाब नहीं हुए। हालांकि इस बात में भी सच्चाई है कि बीते कुछ सालों में जो उल्फा जैसे संगठन है वो कमजोर हुए हैं और अलगाववाद की समस्या कम हुई है। अगर हम बोडोलैंड का जो पूरा एरिया है अगर उस क्षेत्र की बात करें तो लगातार एक अलग राज्य की मांग की जाती रही है, तो उन 4-5 जिलों में जहां पर बोडो जनजाति ज्यादा आबादी में है वहां पर एक सेपरेट स्टेट की जो मांग है वो मुद्दा होने वाला है। इसके अलावा जो चाय बगान के जो मजदूर हैं, जो लेबर्स हैं, उनके अपने मुद्दे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस क्योंकि विधानसभा में बीते 15 साल से यहां पर काबिज है और उसके साथ साथ जो विपक्षी दल है जो AIDUF जो 2006 में ही लॉन्च हुई लेकिन उसके बावजूद भी उसने विपक्षी पार्टी के रूप में यहां पर अपनी जगह बनाई है, तो इन सबके अलावा AGP और BJP भी अपने दमखम पर चुनाव लड़ना चाहती है। कोई गठबंधन AGP BJP के बीच में नहीं हुआ, तो तमाम ऐसे राजनीतिक रणनीति है जो फिलहाल देखने को मिलेगी इस चुनाव के दौरान इन तमाम मुद्दों के साथ। बिल्कुल प्रणव, जैसा कि आपने कहा बीजेपी और AGP के गठबंधन की बात, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की कोई स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, पिछले चुनावों में, पिछले लोकसभा चुनाव में AGP और BJP दोनों साथ आए थे। हालांकि इस बार AGP के जो प्रमुख है प्रफुल्ल कुमार महंत, उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी तरह के गठबंधन के पक्ष में नहीं है। उसकी वजह ये मानी गई कि पिछले चुनावों में जो वोट शेयर था AGP का, वो वोट शेयर BJP के उम्मीदवारों के खाते में गया, ऐसा माना जाता है। AGP के नेता कहते हैं कि, लेकिन जो BJP के जो वोट शेयर थे वो ट्रांसफर नहीं हो पाया AGP के खाते में, तो इसलिए BJP को 4 सीटें मिल गई लेकिन AGP को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा पिछले लोकसभा सीट में चुनावों में। तो इसको देखते हुए इस बार AGP ने साफ कह दिया कि वो किस तरह के गठबंधन के पक्ष में नहीं है। हालांकि चुनावों के बाद किस तरह के हालात बनते हैं ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल गठबंधन की कोई संभावना AGP और BJP के बीच में नहीं है। बिल्कुल प्रणव, यहां पर एक अहम चीज हम आपसे लगातार जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रणव गोस्वामी से हमने चर्चा की और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सरकार हर साल गरीबों और जरूरतमंदों को 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी देती है। हालांकि सब्सिडी की सही आदमी तक पहुंच और इसमें जारी भ्रष्टाचार आज भी चुनौती बना हुआ है। देश में सब्सिडी तंत्र और इसकी उपयोगिता पर पेश है ये खास रिपोर्ट। ये है सुनीता दुबे का परिवार। 2 साल पहले रोजी की तलाश में ये लोग उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से गाजियाबाद आकर बस गए। 6 बच्चों का परिवार और माँ की बढ़ती उम्र बेहतर भविष्य के लिए हर कदम को चुनौतीपूर्ण बना रही है। मुझको बहुत महंगा पड़ रहा, बस वही उतना है कि हम खाली अपने बच्चे को पाल रही हूँ बस, और हमको यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, जो कमा रही हूँ वही खिला रही हूँ। सुल्तानपुर में सुनीता के परिवार के पास सरकारी सब्सिडी की पहुँच थी। कम आमदनी वाले परिवारों के लिए 25 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ, 3 किलो चीनी,
एक किलो दाल और एक लीटर मिट्टी का तेल। सब्सिडी के बाद इतना सामान केवल 125 रुपए में मिलता था, लेकिन अब अपना शहर छोड़ने से सुनीता जैसे जरूरतमंद परिवार सब्सिडी से महरूम हो गए हैं। सब्सिडी ऑन फूड एज वेल एज फर्टिलाइजर इन अ कंट्री लाइक इंडिया इज इंडिस्पेंसिबल, यू कांट डू अवे विद इट बिकॉज़ इट्स एन एसेंशियल इनपुट एंड विदाउट इट यू नो यू कांट इवन हार्नेस द ट्रू पोटेंशियल ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटीज। सरकार की ओर से जरूरतमंदों के लिए बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे सार्वजनिक वितरण कार्यक्रमों के तहत 5 लाख सरकारी दुकानों के जरिए राशन और ईंधन मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा तेल उत्पादन करने वाली कंपनियों को भी सरकार जनता को कम दामों पर ईंधन और LPG उपलब्ध कराने के लिए अलग से फंड दे रही है। इस साल के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने गरीबों को सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा 65,000 करोड़ रुपए डीजल, केरोसिन और LPG की बिक्री पर सब्सिडी के तौर पर जारी किए गए हैं। लेकिन जानकार सब्सिडी कार्यक्रमों के सही तरीके से लागू होने पर आश्वस्त नहीं हैं। View, there is no ideal level of subsidy. Subsidy should not be given. Subsidy should be given in the form of targeted subsidy to the poor. In the form of cash transfer. आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर बनी रहे इसके लिए सब्सिडी में कटौती भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूं तो महिलाओं की भूमिका का दायरा समाज के हर क्षेत्र में बढ़ा है, राजनीति भी इसमें से एक है। इस बार चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बीते दशकों पर नजर दौड़ाएं तो देश की राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं ने अलग मुकाम हासिल किया है। पंचायत, विधानसभा से लेकर संसद तक उनकी भूमिका बढ़ी है। इन दिनों तो कई पार्टियों की कमान भी महिलाएं संभाल रही हैं। आम चुनाव का बिगुल बज चुका है, इसमें उम्मीदवारों को संसद तक पहुँचाने भी महिला मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम होगी। देश में 81,86,00,000 से ज्यादा मतदाता है, इसमें महिला मतदाताओं की तादाद 38,69,00,000 के करीब है, जो कुल मतदाता का 47.5% है। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। पुडुचेरी में सबसे ज्यादा 52.01% महिला वोटर हैं, तो दिल्ली में सबसे कम 44.57%। पिछले चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल मतदान में 70% वोट महिलाओं का था। मिजोरम में यह आंकड़ा करीब 82% और दिल्ली में 64% के आसपास रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बार चुनाव में नए मतदाताओं की तादाद में खासा इजाफा हुआ है, इसलिए राजनीतिक दल नौजवान मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। नए मतदाताओं की भूमिका पर देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग की 2014 की मतदाता सूची के मुताबिक देश में कुल मतदाताओं की तादाद 81,45,91,184 है। इसमें 18 से 19 साल के नए मतदाताओं की संख्या करीब 2,31,61,296 है। नए मतदाताओं के आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा देखें तो दादरा और नगर हवेली में सबसे ज्यादा करीब 9.9% नए मतदाता हैं। यह तादाद 18,655 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम नए मतदाता करीब 1.22% हैं। इसके बाद हिमाचल में सबसे कम नए मतदाता 1.33% हैं। अगर 5 बड़े राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नए वोटरों की संख्या करीब 38.1 लाख है, राजस्थान में ये संख्या करीब 20 लाख, महाराष्ट्र में 10 लाख से ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में 20 लाख के करीब नए युवा मतदाता हैं, बिहार में 18 साल से 19 साल के युवा वोटर करीब 16,54,000 हैं। नए मतदाताओं के महत्व को देखते हुए सभी पार्टियों ने इस बार बड़ी संख्या में नए और युवा चेहरों को मैदान में उतारा है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद देखते हैं कुछ और खबरें। गुड़गांव से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेंद्र यादव ने आज एक रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी संभावनाएं जताई। योगेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी को जनता का भारी समर्थन मिलेगा। हरियाणा के विकसित शहर गुड़गांव लोकसभा सीट पर 10 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए 22 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। चार मजबूत उम्मीदवारों की वजह से इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय स्थानीय मुद्दों को लेकर सभी दल प्रचार में जुटे हुए हैं। राजधानी दिल्ली से सटा गुड़गांव देश के आईटी क्षेत्र का चमकता चेहरा है। देश दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों के यहाँ दफ्तर हैं। साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुड़गांव बड़ा वित्तीय और औद्योगिक केंद्र है। रिहायश के लिए भी गुड़गांव लोगों की पसंदीदा जगह है। शहर में रैपिड मेट्रो आने से यहाँ की परिवहन व्यवस्था को नई पहचान मिली है। लेकिन गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा देहात है। यहाँ कुल 17,82,755 मतदाता है, जिनमें महिलाओं की संख्या 8,30,678 और पुरुषों की तादाद 9,52,077 है। 10 अप्रैल को मतदान के लिए 1,793 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गुड़गांव में एक ओर जहां आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस बसावट है, तो वहीं कई ऐसे इलाके भी हैं जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी खलती है। विकसित इलाकों के मतदाता इस बार कई मुद्दे उठा रहे हैं। नया गुड़गांव है, वहाँ पे सबसे बड़ा बिल्डर इश्यू है, जिसके बारे में किसी भी कैंडिडेट को जानकारी नहीं है और कभी भी पार्लियामेंट में ये इश्यू नहीं उठा। सिक्योरिटी होना चाहिए मेन, कि आप रह रहे हो तो आप सिक्योर्ड एनवायरनमेंट पे रह रहे हो, वाटर पानी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वही विकास की बात जो रहे मतदाताओं के लिए, विकास को सुनिश्चित करने के लिए सुशासन का मसला सबसे बड़ा है। किसी भी अधिकारी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की और किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। यहाँ पर बोल देते हैं कि ये तो अनअप्रूव्ड एरिया है। शिविर हमारे ऐसे कैसे बैक मारते हैं, सारा पानी हमारा घरों के अंदर जाता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हुए हैं और हमारे पीने के पानी की कोई प्रबंध नहीं है। गुड़गांव सीट पर चार मुख्य उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में उतारा है, जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीते थे। कांग्रेस के राव धर्मपाल, INLD से जाकिर हुसैन और आम आदमी पार्टी से योगेंद्र यादव मैदान में जोर आजमा रहे हैं। हरियाणा में इस बार 3,49,952 नए मतदाता हैं। इनमें गुड़गांव के नए मतदाता 47,161 हैं। युवा मतदाताओं के लिए सफाई, सुरक्षा और विकास का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। पलक शर्मा, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2014 में फिलहाल इतना ही। शाम 6:30 बजे चुनाव से जुड़ी खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं चुनावी सुर्खियों के साथ। नमस्कार। चुनाव आयोग ने दिल्ली मेट्रो पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक बुलाने को हरी झंडी दे दी है। हाई स्पीड एयरपोर्ट लाइन पर फैसले के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने चुनाव आयोग से EGOM की बैठक की इजाजत मांगी थी। बैठक के बाद दिल्ली मेट्रो की फेज 2 की बकाया राशि मंजूर की जा सकेगी। पहले 5 मार्च को बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसी दिन सुबह चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान किया, जिसके बाद बैठक को रद्द करना पड़ा था। चुनाव आयोग पेड न्यूज को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने वाला है। पेड न्यूज पर चिंता जताते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी विजय देव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इस पर लगाम लगाने के मकसद से आयोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खास नजर रखेगा और पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने पत्रकारों से भी इस पर लगाम कसने के लिए आयोग के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। शिवसेना के पूर्व सांसद मोहन रावले NCP में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। रावले के मुताबिक वो पार्टी में बिना किसी शर्त के शामिल हुए हैं। 5 बार शिवसेना से सांसद रहे मोहन रावले को शिवसेना से निष्कासित कर दिया गया था। माना जाता है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के ताकतवर निजी सहायक मिलिंद नरवेकर के खिलाफ आवाज उठाई थी। रावले का आरोप है कि उद्धव खास गुट से घिरे हुए हैं और जमीनी स्तर से कट चुके हैं। केंद्रीय संचार और IT राज्य मंत्री और दक्षिण मुंबई सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा के खिलाफ दक्षिण मुंबई के थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन पर एक मस्जिद में जाकर वोटरों को लुभाने की कोशिश का आरोप है। पुलिस के मुताबिक मामले की तफ्तीश की जा रही है। चुनाव आयोग ने धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगा रखी है। हरियाणा के नारनौल में एक जनसभा के दौरान प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी के काफिले पर पत्थर फेंककर हमला किया गया। इस हमले में किरण चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गई, उन्हें गुड़गांव रेफर कर दिया गया है। किरण चौधरी अपनी बेटी और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार श्रुति चौधरी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही थी, इसी दौरान ये हमला किया गया।
उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है।